हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका बताऊंगा। ये बीपीएससी मेंस के लिए और बीपीएससी पीटी में इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो क्या होगा, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, आज इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा और इसके पॉइंट्स को भी देखूंगा। तो बिहार भारत छोड़ो आंदोलन, ये प्रश्न है जो कि आपको 60वीं से 62वीं में आया था, तो इसके पूछे जाने की भी काफी संभावना है। तो शुरुआत इसको कैसे करें, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जापान के बारे में आपको चर्चा करनी है। क्यों जापान से ही शुरुआत, जापान बीच में कहाँ से आ गए, ये भारत छोड़ो आंदोलन, तो सबसे पहले जापान के कारण ही ये सब स्थिति उत्पन्न हुई। तो शुरुआत करते हैं इसका, तो कैसे शुरू करना है कि कैसे भारत छोड़ो आंदोलन की है जो कि शुरुआत हुई। तो सबसे पहले जो कि जापान, क्योंकि बहुत उस समय है जो कि शक्तिशाली राष्ट्र था और द्वितीय विश्व युद्ध में काफ़ी है जो कि विजय भी प्राप्त करा था, इसी सफलता से घबराहट होकर ब्रिटिश सरकार ने ये सोचा कि भारत को जो कि भारत को जो कि एक जो विरोध हो रहा था भारत में उसको शांत करना पड़ेगा। उसका दबाव जो था उस समय अमेरिका और चीन की सरकार थी, वो भी है जो कि ब्रिटिश सरकार पर दबाव दे रही थी कि भारत की मांगों को जो कि पूरा किया जाए। इसी क्रम में है जो कि आपको कब 11 मार्च 1942 को क्या किया कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, ब्रिटिश के जो थे, उन्होंने ब्रिटिश संसद में किया कि उसको जो कि भारत को जो कि सबसे पहले जो कि संगठित करना पड़ेगा सभी वर्गों को जापान के आक्रमण से बचने के लिए। दूसरा है कि आपको पूर्ण औपनिवेशिक राज्य जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो पूर्ण औपनिवेशिक साम्राज्य जो कि भारत को घोषित कर देना है। और क्या रहेगा कि इसको युद्ध का जो मंत्रिमंडल था उसमें उसमें एक सदस्य है जो कि भारत आएगा समस्याओं को समाधान करने के लिए। तो ये हो गया आपको। फिर क्या हो गया था कि 22 मार्च इसी क्रम में, इसी जो जो अपनाया गया था 11 मार्च को, तो 22 मार्च 1942 को क्या हुआ था कि 22 मार्च 1942 को स्टैनफोर्ड क्रिप्स है जो कि भारत आए थे, कहाँ आए थे, भारत आए थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स से जो कि भारत आए। इन्होंने क्या किया, भारत के 22 राय जो यहाँ के जो कांग्रेस कार्यकारिणी की समिति के सदस्य थे और भारत के नेताओं से बातचीत करके एक प्रस्ताव है जो कि उपस्थित किया, उसका नाम क्या था, क्रिप्स प्रस्ताव। तो जब भी आप भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा करेंगे तो क्रिप्स प्रस्ताव से शुरुआत हुई। और लेकिन क्या किया, क्रिप्स प्रस्ताव जो अंग्रेजों ने दिया, भारतीय नेताओं ने इसे असंतुष्टि जाहिर की, मतलब इसको नहीं माना। तो अब क्या हो गया, फिर है जो कि इसी क्रम में अब उसके बाद जो घटना क्रम हुई, तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में है जो कि कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का बैठक किया गया। तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का बैठक में क्या किया गया कि ब्रिटिश सरकार को जो कि अति शीघ्र है जो कि उसको भारत से निकाल देना, आज़ादी पा लेना है, ये लक्ष्य अपनाया गया। इसी क्रम में है जो कि विचार करते हुए, मतलब इसको जो उस समय जो विचार हुआ था वर्धा कमेटी में, तो उसी को करते हुए क्या किया गया कि कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया था बम्बई में। कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ बुलाया गया था, बम्बई। तो कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया था तो बम्बई में, तो 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ कि आपको भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित हुआ। इसमें क्या हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान है जो कि ये कहा गया, नारा दिया था महात्मा गांधी ने, करो या मरो का, तो भारत छोड़ो आंदोलन में। और उन्होंने क्या कहा था कि सभी जो कि आप स्वतंत्र हैं और आपको जो कि अहिंसात्मक तरीके से है जो कि आप ये कदम उठा सकते हैं, पूर्ण हड़ताल, सरकारी कार्य ठप कर सकते हैं, इन्होंने ये आह्वान किया।
तो इस आह्वान का असर क्या हुआ, बिहार पर भी पड़ा। तो हम लोग क्योंकि बिहार की भूमिका भारत छोड़ो आंदोलन में पढ़ रहे हैं, तो भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का भी तो हो गए कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कि कैसे है जो कि भारत छोड़ो आंदोलन है जो कि शुरुआत हुआ। तो अब है जो कि बिहार के बारे में जानेंगे इसको कि कैसे बिहार का हुआ। तो 8 अगस्त को जैसे ही घोषणा हुआ, तो उसी दिन जब घोषणा होने के बाद क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद और अन्य जो बिहार के नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो राजेंद्र प्रसाद और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 9 अगस्त को क्या हुआ कि उसी तरह है कि पूरा गिरफ्तारियां होती रही, बिहार में भी हुई और भारत लेवल पर भी हुई। 10 अप्रैल को है जो कि आपको पूरा है जो कि पूर्ण शैक्षणिक हड़ताल भी रहा बिहार में, सारा जगह ठप रहा और सही कई जगह है जो कि झंडा लहराने का भी कार्य किया गया। तो यहाँ तक तो इसलिए 9 हो गया, 10 हो गया। अब आ गया आपको 11 मार्च को, सॉरी 11 अगस्त 1942 को बड़ी घटना होती है वो बिहार में, आप लोग भी जानते होंगे पढ़ते ही होंगे। तो जो सचिवालय भवन है उसमें झंडा फहराने का काम है जो कि किया गया था, और 7 छात्र इसमें है जो कि शहीद हो गए थे। तो कैसे ये हुआ, तो उस समय जो जिलाधीश थे WG आर्चर, पहले तो इन लोगों ने एक दो चेतावनी दिया कि आप झंडा है जो कि ना फहराइए, लेकिन फिर गुस्से में आकर इन्होंने आदेश दे दिया, गोलियां जो कि तड़ातड़ चलने लगी। तो 7 छात्र मारे गए, कितने, तो 7 छात्र हैं जो कि मारे गए। तो उनका नाम क्या क्या है, तो उसका नाम है उमाकांत सिन्हा, रामा गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह, जगपति चौधरी, देवीपद चौधरी, और भी 2-3 नाम है। तो ये आपको लिखना है कि इसमें 7 छात्रों की मृत्यु हो गई थी। इस घटनाक्रम का क्या हो गया, 12 अगस्त को पूरे बिहार में है जो कि पूरा हड़ताल रहा, हर जगह है जो कि बंदी रहा एकदम। और शाम को है जो कि जगत नारायण लाल के अध्यक्षता में है जो कि क्या फैसला लिया गया बिहार में, कि ब्रिटिश सरकार की जो सरकारी कार्यालय है उसका संचार व्यवस्था, टेलीफोन लाइन, तार, ये सब सब काट देना है, ध्वस्त करना। और बिहार में जो कि रेलवे लाइन की पटरियां भी कई जगह है जो कि उखाड़ी गई, ध्वस्त किए गए। तो उसके बाद ये जो हो गया, ये सब 12 अगस्त के बाद की घटनाक्रम है, 12 अगस्त 1942। उसी क्रम में है जो कि फिर क्या हुआ, सारण में है जो कि ये होने लगा कि कहाँ कहाँ है जो कि लोग है जो कि विद्रोह करने लगा, और कई जगह ऐसी होने लगी जैसे भागलपुर, मुंगेर और बिहटा में जो कि तोड़फोड़ की कार्रवाइयां शुरू की। और नेतृत्व है जो कि 2 जगह हो गया, सारण में जो कि जगलाल चौधरी के नेतृत्व में जो कि तोड़फोड़ की कार्रवाइयां शुरू की गई, और उसी तरह अन्य जगह भी है जो कि तोड़फोड़ की कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। तो अब आते हैं कि उसके बाद क्या होता है कि ये लोग को है जो कि जयप्रकाश नारायण और उनके साथियों को है जो कि आपको हजारीबाग जेल में जो कि बंद नजरबंद कर दिया। तो वहां से वो भाग जाते हैं, कहाँ भाग जाते हैं, नेपाल में। तो नेपाल में है जो कि वहाँ आजाद दस्ता का है जो कि गठन किया जाता है। आजाद दस्ता का गठन होता है, जो सरकारी संस्थाएं ब्रिटिश की थी उसको तोड़ फोड़ के कार्रवाई है, और युद्ध कार्य में जो कि बाधा है उसको जो कि पहुंचाना था। तो उन्होंने क्या किया कि लगभग मार्च 1943 के आसपास है जो कि इन्होंने 25 बिहारी युवकों को जो कि अग्नि शास्त्र जो कि चलाने का शिक्षा दिया और संगठित किया। और इसी तरह जो कि उनका टारगेट था कि जहाँ 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 जो कि जाएंगे वहाँ तोड़फोड़ की कार्रवाई में ये लोग युवक सीख सके हथियार चलाने के लिए। तो इसके लिए जो कि आजाद दस्ता का है जो कि गठन किया गया था। ये भारत छोड़ो आंदोलन बिहार की भूमिका में बिल्कुल नहीं भूलना है। तो ये हो गया, हालांकि 1943 के बाद जिस जो कि इसकी पुलिस बल की कार्रवाई ज़्यादा होने लगी तो ये आजाद दस्ता बंद हो गया। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उसमें कहाँ कहाँ जो कि कुछ घटनाएं भी हुई थी और कुछ समानांतर सरकारें भी बनी थी। तो सारण में क्या हुआ था कि सॉरी सिवान में है जो कि फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव ये क्या थे, थाना में जो कि जलाने के क्रम में इनको पुलिस ने गोली मारा था और उनकी मृत्यु भी हो गई थी। उसी तरह है जो कि कटिहार थाने को जलाने के लिए है जो कि ध्रुव कुमार को है जो कि गोली मार दिया गया।
और उसी तरह जो कि अन्य जगह भी है, जो कि कुर्था थाने में है, जो कि श्याम बिहारी लाल गया के कुर्था थाना में चलाने के प्रयास में श्याम बिहारी लाल को भी है जो कि गोली मार दिया गया। उसी तरह जगन्नाथ मुनि को भी एक जगह याद नहीं आ रहा, वहाँ पर है जो कि उनको गोली है जो कि मार दिया गया थाना में चलाने क्रम में। तो इन घटनाएं हैं जो कि बिहार में हुई। और सबसे बड़ी बात है कि कहाँ कहाँ है जो कि समानांतर सरकारें बनी। तो समानांतर सरकारें उत्तरी भागलपुर में बनी, समानांतर सरकारें और भी कई जगह है जो कि बिहार में उस तरह का स्थानांतरण समानांतर सरकारें जो कि बने। और जैसे कि आपको एक जगह तो यहाँ तक था कि मंत्रिमंडल है जो कि का गठन किया गया। तो ये हो गया आपको कितने लोग हैं जो कि समानांतर। और एक जो और घटनाक्रम हुई थी कि जो क्रांतिकारी है जो कि ट्रेनों का मतलब इस आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए ट्रेनों पर भी कब्जा कर लिया था। उस ट्रेन का क्या नाम रखा था? तो सुराज ट्रेन है जो कि नाम रखा था कब्जा करके। तो ये घटनाक्रम हुई थी। तो बिहार में जो कि कई जगह मतलब थाने जलाए गए, तोड़फोड़ किए गए। और इसमें जो कि लगभग जो कि 1500 व्यक्ति है जो कि संख्या अलग अलग रहती है, 1500 व्यक्ति है जो कि घायल बंदी हुए, 124 व्यक्ति मारे गए, 326 व्यक्ति घायल हुए। ये सब डाटा हालांकि अंतर आपको हर जगह मिलेगा। तो उस ये हो गए आपको। तो इसमें जो कि बिहार का क्या हुआ था, इसमें बिहार में महिलाओं ने, जमींदारों ने, किसानों ने, छात्रों ने, सरकारी कार्यालय के कर्मियों ने पूरा जो कि विशेष रूप से भाग लिया। और 1945 तक आते आते ये आंदोलन है जो कि अपने जो अंतिम परिणाम था उसकी ओर अग्रसर हो गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन में है जो कि आपको इसी तरह शुरू करना है। शुरुआत में सबसे पहले है जो कि आपको क्रिप्स मिशन है जो कि किस तरह आया, कोई जापान का ये था, उसके बाद वहाँ का संसद ने फैसला लिया कि भारत को युद्ध की समाप्ति के बाद ये लेना है। उसके बाद उसी तरह घटनाक्रम में आपको सीरियली वाइज लिखना है कि पहले जो कि 14 जुलाई में वर्धा कमेटी हुई, उसके बाद है जो कि 8 अगस्त को उसके क्रम में बुलाया गया, फिर आपको 9 अगस्त की चर्चा करना, फिर 10 अगस्त, 11 अगस्त, फिर 12 अगस्त, उसके बाद की चर्चाओं का करना। तो इसमें आज़ाद दस्तरखान नहीं भूलना है। तो ये हो गया बिहार भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका। तो आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ये 64वीं जो मेंस है इसके प्रबल क्वेश्चन है इसके आने के, क्योंकि इससे पहले जो पूछा था चंपारण किसान आंदोलन पूछा था, तो ये GS पेपर फर्स्ट में इसके पूछने की काफ़ी संभावना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।